इस व्यासपीठ से घोषणा कर देता हूं, जब तक गौवंश को प्रत्यक्ष रूप से भारतीय इकोनॉमी से नहीं जोड़ा जाता, और क्यों नहीं जोड़ोगे? पंजाब में कैंसर के पेशेंट पैदा हो रहे हैं, कैंसर की ट्रेनें चल रही हैं, इतना अनाज आपने पैदा कर दिया, इतने पेस्टिसाइड डाल दिए, भूमि की कीमत नहीं रह गई, अगले 20 साल तक उस भूमि को शुद्ध होने में लगेंगे। भारत के किसी संत सदगुरु को फिर सेफ सॉइल नाम का एक योजना चलाना पड़ता है, अपनी देश की मिट्टी को बचाने की एक योजना चलानी पड़ती है। ये मिट्टी इतनी दूषित हो गई, प्रदूषित हो गई, उससे जो कुछ भी पैदा होगा तुम्हारे बच्चों को कैंसर होगा, तुम्हारे बच्चे बीमार होंगे बचपन से, तुम करोगे क्या? तुम्हारे आसपास में राक्षसों का पूरा अड्डा है, दुकानें, वस्तुएं, लोग, कुछ भी शुद्ध नहीं है, कहां ले जाओगे, कहां बचोगे? अपने ही आसपास में ऐसे गड्ढे खोद दिए भारतवासियों ने कि अब जीने के लिए भी तुम्हें भागना पड़ेगा, कहां जाओगे? और ये कौन सी अंधाधुंध पढ़ाई चल रही थी, ये कौन सा अंधाधुंध विकास चल रहा था, ये कौन सी अंधाधुंध यांत्रिक प्रक्रियाएं चल रही थी, जहां मानवता दब गई, जहां संवेदनाएं दब गई, जहां इमोशन दब गए, रिलेशन दब गए, डिवोशन दब गए, मिशन दब गए, केवल प्रोफेशन रह गया, प्रोफेशनल हो गए हम, हमारा इमोशनल होना समाप्त हो गया, हमारी आंखों में अश्रु आते थे एक दूसरे को गांव में देख करके, भैया क्या हुआ? कल भी बताया था एक ऐप बन गया है मुर्दे जलाने के, आप जीते जी अपना जमा कर दो पैसा, किसी की जरूरत नहीं है, आप अपना बुकिंग कर सकते हो कि 40 आदमी चाहिए, 30 चाहिए, बैंड बाजा वाला चाहिए, कि आपको धोती वाले चाहिए, राम नाम सत्य वाले चाहिए, वो सब बुक कर देगा, आप दे देंगे, और अभी भारतवर्ष में सबसे ज्यादा बुकिंग उनकी हुई है, पैसा कमा रहे हैं। ये भारतवंशियों के लिए डूब मरने की बात नहीं है, जिस भारतवर्ष में 70-70 100-100 लोगों के सामूहिक परिवार हुआ करते थे, एक एक गांव के लोग जाया करते थे, जब कहीं पर एक असोसिएशन होता, कोई दिव्यात्मा जाती, पूरा गांव खड़ा होता, पूरा गांव उस शोक को भी मनाता, आनंद को भी मनाता, और आज ऐप से बुकिंग करके अपने आप को जलवा रहे हो, ये भारत की संस्कृति है? तुमने क्या कमाया जब अपने बच्चे नहीं कमाए, अपने रिश्तेदार नहीं कमाए, अपने मित्र नहीं कमाए? तुम्हें इतना भरोसा नहीं है कि तुम्हारे मरने के बाद अगर बरसात का दिन हो तो तुम्हारे पीछे दो लोग भी चलने वाले होंगे? क्या कमाया? नहीं, बहुत बड़े तो बन गए आप, नहीं बहुत विकास कर लिया आपने, बहुत कुछ हो गया, क्या कमाई है? एक माँ को यह तक विश्वास नहीं कि मेरा बेटा मुझे जलाएगा भी नहीं, मेरी अंतिम क्रिया करेगा भी नहीं। एक बाप को यह भी विश्वास नहीं कि मेरी अंतिम क्रिया में मेरे लोग आएंगे कि नहीं। और आप कहते हैं हम विकास की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। विकास की अवधारणा एक तरफ से नहीं होती, इसलिए विगत 8-10-15 वर्षों से जो मैं भारतवर्ष में देख रहा हूं, मुझे खुशी है, मुझे आनंद है कि विकास की अवधारणा अब आध्यात्मिक दृष्टि और इकोनॉमिक दृष्टि दोनों से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब तक जो विकास हो रहे थे, यांत्रिक विकास थोड़े बहुत हो रहे थे, पर अब आध्यात्मिक विकास भी हो रहा है, सांस्कृतिक विकास हो रहा है, धार्मिक विकास हो रहा है, और यही विकास बाकी विकासों को होल्ड करके रखेगा, नहीं तो बाकी विकास पागल बनाने में तुम्हें कमी नहीं करेंगे, स्वीडन, जापान, अमेरिका। भैया मेरी बात मत मानो, पर पढ़े लिखे हो तो रिसर्च जो जो आए हैं उनको पढ़ा करो, जाना करो। मैं तो पढ़ता रहता हूँ, जानता रहता हूँ, पढ़ने की तो कोई उम्र होती नहीं, जानने की कोई उम्र होती नहीं, विद्या अध्ययन करने की कोई उम्र होती नहीं, तो मैं निरंतर अध्ययन करते रहता हूँ, जानता रहता हूँ, समझता रहता हूँ, अप टू डेट रहता हूँ, आज देश में क्या हो रहा है, आज विदेश में क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ क्या रिसर्च चल रहे हैं। एक मनुष्य के भीतर में असीमित संभावनाएं होती हैं, अनंत संभावनाएं होती हैं। आप कब कितने विकसित हो जाओगे कुछ खबर नहीं है, आपके विकास की अनंत संभावनाएं आपके भीतर में, आपको रेडी रहना, आपको तैयार रहना। हनुमान जी की पूरी जीवनी जब पढ़ोगे, चाहे सुंदर कांड पढ़ो, चाहे वाल्मीकि का सुंदर कांड पढ़ो, चाहे आनंद रामायण पढ़ो, चाहे कृतिवास रामायण पढ़ो, चाहे जो भी रामायण में हनुमान जी की एंट्री कब हुई है बताओ? राम जी का तो कितना जीवन चला गया उसके बाद हनुमान जी की एंट्री हुई है, कहाँ हनुमान जी युवराज के, राम जी युवराज, सब विवाह वाह सब हो गया, बाद में हनुमान जी आए, पर ऐसे आए हैं, उसको बोलते हैं ना कि ऐसे आए कि आए तो पूरी दुनिया पे छा गए, जहां देखो वहीं हनुमान जी, जहां देखो वहीं हनुमान जी। पर हनुमान जी को भी हमने तंत्रों मंत्रों में बांध दिया, बड़ी दुख होता है कभी, ये पढ़ो तो ये हो जाएगा, ये करो तो ये हो जाएगा, ओम फट हट हट करो तो ये हो जाएगा, बट डू यू मीन फट 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 हट हट हट। हनुमान जी का जीवन ही इतना प्रैक्टिकल है कि अगर प्रारंभ ही करें
श्री गुरु चरण सरोज रजन निज मन मुकुर सुधार बरनउ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिक सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज नाम हनुमान चालीसा और प्रारंभ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ श्री गुरु चरण सरोज रज। ज्ञान और वैराग्य की आंखें हैं सबके पास पर मोतियाबिंद हो गया। बोला भैया इस मोतियाबिंद को कैसे दूर करोगे? बोला एक रज ऐसा है जो आंखों में पड़ जाए तो आंख बंद हो जाता है और एक रज ऐसा है कि आंखों में पड़े मोतियाबिंद और इन्फेक्शन को अगर उस रज को लगा दिया जाए अंजन की तरह तो सारे इन्फेक्शन दूर हो जाते हैं। बोला कौन सा वो रज है? कहा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। अपने मन के मुकुर को मन के दर्पण को सुधार लो। इन आंखों से सारी दुनिया देखी जा सकती है पर खुद को नहीं देखा जा सकता। ये आंखें सारी दुनिया देख सकती हैं। हम सीपी बाबू को देख सकते हैं, हम आपको देख सकते हैं, हम सिंह साहब को देख सकते हैं, हम महात्मा जी को देख सकते हैं, आदित्य जी को देख सकते हैं, लेकिन मैं खुद को नहीं देख पा रहा, न पीछे देख पा रहा हूं, इधर केवल कपड़े थोड़े दिख रहे हैं। पर हमें जब पूरा देखना होगा तो हमें किसी दर्पण की जरूरत पड़ेगी, दर्पण की। पर वो दर्पण भी गंदा है। आंख में तो मोतियाबिंद हुआ है चलो, और दर्पण भी है गंदा। अब बताओ दो दो पर्दे जहां जिंदगी में पड़े हों और वहां भी अपने को देखने की हम इच्छा रख रहे हैं। ठीक यही बात गोपियों और श्री कृष्ण के महाराज की बात है। जब महाराज की कथा झूम कर कहता हूं तो वहां भी दो पर्दे पड़े थे। भगवान ने अपने ऊपर माया का पर्दा डाला था और जीव के ऊपर वासना का पर्दा डाल दिया था। अब दो दो पर्दे डले हैं तो भगवान दिखे कैसे? भगवान तो कभी कृपा करके अपनी माया के पर्दा को हटा भी देते हैं, पर जीव के ऊपर पड़े वासना के पर्दा को हटाने वाला कौन है? कहा जीव के ऊपर भी वासना का पर्दा जो पड़ा है उसको हटाने वाला भी कोई और दुनिया में नहीं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, अर्थात जीवंत सदगुरु ही कभी कभी तुम्हारे वासना के पर्दे को जब हटाता है तो सामने बिहारी जी के दर्शन हो जाते हैं। भगवान माया का पर्दा हटाता है, गुरु तुम्हारे ऊपर से वासना का पर्दा हटाता है। जब ये दो दो पर्दे हट जाते हैं कभी बांके बिहारी में जाना, जाकर कैसे ही दर्शन होता है? बाकी बिहारी जाते हो तो पर्दे लगे रहते हैं, आप जाते हो पर्दा लगता है खुलता है, पर्दा लगता है खुलता है, बाकी बिहारी। और चलो ठीक है बाकी बिहारी पे पर्दा लगा ये समझ में आता है, पर उस बाकी बिहारी में एक ऐसी बहू गई हुई है जिसकी आज ही ब्याह हुई है और लंबे घूंघट पड़े हुए हैं और वो भी दर्शन को गई है। अब बहू के लिए बड़ी परेशानी है, पुजारी अगर वो हटा दे तो वो तो हट गया लेकिन बहू के ऊपर घूंघट पड़ा हुआ है अभी तक। और बहू के ऊपर जो घूंघट पड़ा हुआ है बहू हटा भी नहीं सकती क्योंकि हाथों में अभी भी मेहंदी लगी हुई है, आसक्ति की मेहंदी। देखो भैया अब रांची वासी आप सब अच्छे हो, कुछ भारत से भी अलग अलग प्रदेशों से लोग आए हैं और इस विज्ञान के माध्यम से भारत ही नहीं यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया सब जगह लोग बैठकर सुन रहे हैं, अच्छी बात है। पर हमारी प्रज्ञा हमारा प्रबोध हमारी भूमिका जब तक उस स्तर पर नहीं होती ये चलते चलाते कोई कथा नहीं सुनी जा सकती। जीवन में जितना इंपॉर्टेंस दोगे जिस चीज को वो उतना ही तुम्हारे भीतर में आएगा। तो आपके जिंदगी में इंपॉर्टेंट कौन है ये प्रश्न उठता है।